एक दिन चलती है पेपर वन की क्लास और अगले दिन चलती है कॉमर्स की क्लास यानी कि पेपर टू की क्लास टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिषमता हम लोग शुरू कर रहे हैं और इसके पहले ऑलरेडी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो चुका है पेपर वन कंप्लीट कोर्स कराने वाली हूँ आप सभी लोगों को के लिए और हमारा जो बैच है ये बिल्कुल फ्री है प्रीवियस क्लासेस आपने मिस की है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे जैसे ही प्लेलिस्ट सेक्शन में क्लिक करोगे आप लोगों के सामने यूजीसी ने 2023 गोल्डन बैच

लगभग छब्बीस हजार के आसपास हमारी छोटी सी फैमिली टेलीग्राम पे भी जुड़ी हुई है तो जो अभी तक नहीं जुड़े हैं वो तो लोग प्लीज जेनुअन टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना क्योंकि वहीं पे आपको क्लास की नोटिफिकेशन पीडीएफ क्लास नोट्स या कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट हुआ सारी चीजें आप लोगों को वहीं पे देखने को मिलती है। हैं सोशल मीडिया हैंडल जहां भी एक शॉप फॉलो कर सकते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक आपके स्क्रीन पे है टेलीग्राम का ये लिंक है और कमेंट सेक्शन में मैंने ऊपर भी पिन कर दिया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे बाकी हमारा पेपर वन का टाइम टेबल ये है स्लॉट ये है कम्युनिकेशन खत्म हो चुका है टीचिंग एप्टीट्यूड चल रहा है तीसरी क्लास है उसके बाद हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड में जम करने वाले हैं कॉमर्स का सिलेबस या कॉमर्स का जो टाइम टेबल है वो आपकी स्क्रीन पर है जिसमें बिजनेस इन्वायरमेंट खत्म हो चुका है और इंटरनेशनल बिजनेस भी हमारा मिड हाफ पे हम लोग पहुंच चुके हैं कॉमर्स की क्लासेस का सीक्वेंस आप सभी की स्क्रीन पर है यहाँ पे भी बिल्कुल स्ट्रक्चर क्लासेस चलती हैं क्लास वन क्लास टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इसी सीक्वेंस में जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं कॉमर्स में एडमिशन ले सकते हैं अभी इसका एडमिशन ओपन है कोर्स के फीचर आप सभी के स्क्रीन पर है जहां पे आपको टॉपिक वाइज क्लासेस चलेंगे स्ट्रक्चर्ड कंटेंट मिलेगा पीडीएफ भी मिलेगा अपडेटेड कंटेंट सारे मिलने वाले हैं एमसीक्यूज पीवाई क्यूज प्रैक्टिस सेशन प्रीवियस जो आपका एग्जामिनेशन हुआ था उसके एनालिसिस भी सब कुछ तो इस नंबर पर कॉल करके आप एडमिशन ले सकते हैं इलेवन टू सिक्स पीएम के बीच में चलिए बहुत बढ़िया मरियम खान और लाइक शेयर कर दीजिएगा जैसे जैसे आप सभी लोग यहाँ पे जुड़ते जा रहे हैं स्टार्ट करते हैं आज का सेशन सभी का गुड इवनिंग है सभी को वेलकम नमस्ते राम राम सत सत्या राधे राधे अभिवादन के जो भी शब्द आप सभी को प्रिय लगे उन्हीं शब्दों में आप सभी का स्वागत है अभिनंदन है और तहे दिल से आभार है ठीक है तो अभी ऑडियो वीडियो ठीक आ रही है तो प्लीज एक बार कंफर्म कर दो आप लोग ऑडियो वीडियो ठीक है फॉर्म्स आ जाएगा देखिए मिड दिसंबर के आसपास मिड दिसंबर में तो हम ऑलरेडी चल ही रहे दिसंबर के लास्ट वीक तक फॉर्म्स आ जाने चाहिए क्योंकि आप काफी लेट हो रहा है हाँ एक बार आप लोगों को मैं रूटीन दिखा दे रही हूं लाइक शेयर कर देना आप लोग और सेशन को हम लोग शुरू भी करते हैं आज की कहानी शुरू करें आप लोगों के कमेंट्स इतने ज्यादा आते हैं कि उसको डिसेबल करना पड़ा देखिए ये है हमारा दिसंबर का रूटीन पूरा और आज है बीस तारीख तो पेपर वन की क्लास चल रही है वादे के मुताबिक कल इक्कीस तारीख होगा कल चलेगी कॉमर्स की क्लास नौ बजे प्राइवेट क्लासेस चलने वाले जिन्होंने कॉमर्स में स्टूडेंट तो, मतलब एडमिशन लिया हुआ है बेसिकली उनके लिए होगा फिर परसों हमारा पेपर वन का क्लास होगा इस बीच में कुछ और भी चीजों को मैं इंकॉर्पोरेट करने वाली हूँ जो अपकमिंग डेज में आप लोगों को पता चलेगा पेपर वन के लिए और पेपर टू के भी आज कॉमर्स का जो क्विज था होस्टेड था बट वो यहाँ पे हो नहीं पाया चलिए शुरू करते हैं ये है क्लास टू जो हमने प्रीवियस जो है पढ़ा था एक बार क्विकली ओवरव्यू ले ले रहे हैं आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है प्रीवियस सारी पीडीएफ दे दी है हमने प्रीवियस पीडीएफ शेयर कर दी है और यहाँ से पेन ले, ले लेते हैं इतना तो सारा कोर्स आप लोगों को फ्री में कराया जा रहा है अब बच्चे की जान लोगे क्या आप लोग बताओ थोड़ी बहुत मेहनत तो आप लोगों को भी अपने एंड से करनी चाहिए ठीक चलिए तो लास्ट क्लास में हमने क्या कुछ पढ़ा यह है आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड का सारी यूनिट्स टीचिंग के कुछ कंसेप्ट ऑब्जेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग मेमोरी अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्टिव ये हम पढ़ चुके हैं जो विशेषताएं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके बेसिक रिक्वायरमेंट्स तो हमने जो लास्ट सेशन में पढ़ा था कि टीचिंग के तीन लेवल्स होते हैं जिसमें कि आपने पढ़ा कि मेमोरी का लेवल क्या है अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है और रिफ्लेक्टिव लेवल क्या है इन लेवल्स से मैचिंग के क्वेश्चन आते हैं और कौन सा लेवल किसने प्रोपाउंड किया था स्पेशली ये पूछा जाता है स्मृति के स्तर में हमने ये समझा कि टीचर डोमिनेट करने की कोशिश करता है बताता है स्टूडेंट्स को उसके माइंड में ड्रिल करता है रिव्यू करता है रिविजन करने के लिए देता है क्वेश्चन को पूछता है अंडरस्टैंडिंग लेवल पे बच्चे के दिमाग में इतना ज्यादा ऑलरेडी टीचर ने मेमोरी लेवल पे भर दिया होता है कि वो चीजों को समझने के लिए तैयार हो जाता है इसीलिए इस लेवल को हमने ज्यादा थॉटफुल बोला क्योंकि बच्चा यहाँ पर चीजों को विचारशील व्यवहार अपनाता है है ना यहाँ पे वो ना सिर्फ याद करता है बल्कि वो समझ करके याद करता है वो सीखता है व्याख्या कर पाता है अनुमान लगा पाता है रिफ्लेक्टिव लेवल बिल्कुल आखिरी लेवल होता है जिसमें कि अब वो इस लेवल पे पहुंच चुका है जहां पे वो कोई इनोवेशन कर सकता है इन्वेंशन कर सकता है एक्सप्लोर कर सकता है इंटर रिलेट कर सकता है ponder अपॉन कर सकता है मेन ऑब्जेक्टिव आप सभी के स्क्रीन पर है कि यहाँ पे बच्चा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खुद में इनबिल्ट हो जाता है क्रिटिकल थिंकिंग जो उसकी एबिलिटी है वो डेवलप हो जाएगी और इंडिपेंडेंट थिंकिंग डिसीजन मेकिंग जो कैपेसिटी है वो डेवलप हो जाएगी फिर तो उसके बाद में ब्लूम्स ने यहाँ पे टेक्सोनॉमी डाली हुई है ब्लूम्स ने कहा कि भाई सीखने का जो स्तर है किसी व्यक्ति का जो डेवलपमेंटल स्टेज है उसके माइंड का अलग अलग होता है कई प्रकार से वो अधिगम करता है यानी कि सीखता है पहला तो हमने समझा संज्ञानात्मक स्तर पे या cognitive dimension, पे यानी कि डायमेंशन आप रिमेंबर करेंगे समझेंगे अप्लाई करेंगे एनालाइज करेंगे इवेल्युएट करेंगे फिर एक थ्योरी को आप प्रोपाउंड कर दोगे फिर हमने समझा इफेक्टिव जिसने हमने बोला कि भावात्मक तरीके से भी व्यक्ति सीखता है नेचुरल फेनामिना को देख करके या किसी बिहेवियर को देख करके या कल्चर से वैल्यूज से इंटरेस्ट से इन सारी चीजों से भी आप सीखते हैं और तीसरा ये होता है साइकोमोटर डोमेन यानी कि कुछ शारीरिक श्रम करके भी आप सीखते हैं ट्रेनिंग से भी सीखते हैं बेहतर यही होता है जब आप किसी लर्निंग में तीनों चीज को इनकॉर्पोरेट करें तीनों ही तरीके से सीखे वो सबसे सबसे बेस्ट और बेहतर लर्निंग होती है इसके बाद में हमने कॉग्रेटिव डोमेन के कुछ एग्जाम्पल्स को समझा अफेक्टिव डोमेन के रेतवॉल ये टेक्सोनॉमी इन्होंने दी हुई है साइकोमोटर डोमेन को सिम्सन ने दिया हुआ है डायनेमिक एनवायरमेंट के कंसेप्ट को समझा और इसमें समझा बाइपोलर प्रोसेस क्या है यानी कि टीचिंग लर्निंग में दो व्यक्ति जब ध्रुवीय तो प्रक्रिया इन्वॉल्व होगी तो एक तरफ आपका शिक्षक हो जाएगा दूसरी तरफ शिक्षार्थी हो जाएंगे जब ये त्रिध्रुवीय प्रक्रिया हो जाएगी तो शिक्षक भी होंगे शिक्षार्थी भी होंगे और साथ में पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या पूरी टीचिंग प्रोसेस को यहां पर फ्रूटफुल बनाएगी या इफेक्टिव बनाएगी इसका तीसरा जो प्रोसेस है वो है क्वाड्रीपोलर इसको आप बोलते हैं चतुष्कोणीय ध्रुवीय प्रक्रिया जिसमें शिक्षक भी होगा टीचर लर्नर भी होगा करिकुलम भी होगा फिजिकल इन्वायरमेंट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई दिविधा फिर हमने माइक्रो टीचिंग के कंसेप्ट को समझा बिल्कुल हार्ट हैंड और आपके हेड का कंसेप्ट इसमें हमने समझा था साइकोमोटर डोमेन कॉर्गनेटिव में और अफेक्टिव डोमेन में माइक्रो टीचिंग एक नई प्रकार की ट्रेनिंग टेक्निक है जहां पर टीचिंग लर्निंग स्किल डेवलप करी जाती है रियल टीचिंग सिचुएशन क्रिएट किया जाता है जहां पे एक टीचर अपने अंदर में स्किल को डेवलप करता है कि उसको स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाना है जो नए तकनीक आ रहे हैं नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको किस प्रकार से इस्तेमाल करना है उसके कुछ स्टेप्स होते हैं इसमें टीचर पहले प्लान करता है कि उसको क्या पढ़ाना है

कोई प्रॉब्लम कोई दुविधा अगर है तो यही पूछ लो क्योंकि फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं अब आपका सिलेबस का जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है लर्निंग कैटरिस्टिक्स uh, या लर्नर्स की विशेषताएं तो लर्नर्स की क्या कुछ विशेषताएं हैं एडुलसेंट लर्नर कौन है यानी कि जो हमने पिछले भी पढ़ा था एडल्ट लर्नर कौन है इसमें भी आपका एकेडमिक सोशल इमोशनल कॉग्रेटिव और इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है इसको हम लोग समझेंगे क्लियर है आप लोग यहां पर मेरा अनुरोध है सभी से कि जो ये चैटा लाभ आप लोग करते हैं नीचे आपस में बातचीत कृपया ये आखिरी के पांच मिनट में करें करें लेकिन आखिरी के पांच मिनट में अब से जितना देर सेशन चलने वाला है प्योर डिस्कशन होगा कोई भी फालतू बात नहीं ठीक तो सीखना जिसको हम बोलते हैं अधिगम इनकी कुछ विशेषताएं हैं है, जो कि आपके परीक्षा में एग्जामिनेशन में डायरेक्टली स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा तो यही स्टेटमेंट आप लोगों को दिया जाएगा ये बेसिकली स्टेटमेंट मैंने क्वेश्चन से ही निकाला हुआ है तो पहला क्या है कि लर्निंग इज अ की कंसेप्ट इन ह्यूमन बिहेवियर हमने ये भी समझा था कि जो सीखना है नहीं कि जो अधिगम है वो वूम से टूम का कंसेप्ट है यानी कि माता के गर्भ से आप सीखना शुरू करते हैं और अपनी मृत्यु तक आखिरी दम तक जब आप शरशैया पे लेटे होते हैं तब तक आप कुछ ना कुछ सीखते हैं तो हमने क्या बोला वोम से टूम वोम का मतलब होता है गर्भ टूम का मतलब होता है कब्र तो गर्भ से कब्र तक का ये पूरा जो वास्ता है इसमें हम लोग हर दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखते हैं जैसे इसमें एग्जाम्पल अभिमन्यु का दिया अभिमन्यु ने चक्रव्यू को तोड़ने का जो रहस्य था वो माता के गर्भ में ही सीख लिया था इसलिए बोला था ना कि जब माता गर्भवती होती है तो उनको बोला जाता है कि अच्छी चीजें पढ़िए अच्छा सोचिए क्यों क्योंकि उसके ऊपर बच्चे का असर पड़ेगा मतलब उस चीज का बच्चे के ऊपर भी असर पड़ेगा ना क्योंकि बच्चा सीखना शुरू कर देता है उस वक्त से ही तो इसीलिए हमने बोला कि मानव व्यवहार में ही है सीखना और वो उसकी महत्वपूर्ण अवधारणा है सीखना आपकी प्रकृति है चाहे आप अच्छी चीजें सीखे चाहे आप बुरी चीजें सीखिए है वो अलग बात है कि आप बुरी चीजों को ज्यादा जल्दी कर लेते हैं लेते हैं हैं या सीख वो अलग चीज है बट ये आपके ह्यूमन बिहेवियर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर ये आपको कंसेप्ट मिलेगा इस रीजन वाले में तो ये आपको टिक करना है ओके करना है अगला क्या है इट इज अग्जियम ऑफ ऑल टीचिंग एंड लर्निंग यानी कि ये सभी शिक्षण और सीखने का स्वयं सिद्ध तरीका है पहली बात दूसरा इसमें लर्नर क्या करता है लर्नर सोचता भी है और लर्निंग बाई डूइंग भी करता है यानी कि करके सीखने का कंसेप्ट है इसमें चौथा बोला है कि इट इंफ्लुएंसेज एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना जानकारी आपका बिलीफ सिस्टम आपका जो उद्देश्य है जो भी अचीवमेंट है जो भी फेलियर है आप वो सभी चीजों के बारे में अडाप्टिव हो जाते हो एक्विजिशन करते हो यानी कि ज्ञान को प्राप्त करते हो आप इंफॉर्मेशन लेते हो का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है जैसे कि आप क्लास में पढ़ रहे हो तो ना सिर्फ आप कुछ इन्फॉर्मेशन को लेते हो आपका सर्वांगीण विकास होता है आपके मानसिकता का विकास होता है किस तरीके से आपका आचार व्यवहार होना चाहिए बातचीत करना चाहिए सोसाइटी में जाते हो तो वहां से भी सीखते हो एक बिलीफ सिस्टम को भी सीखते हो ठीक है चलिए अब देखिए उसके बाद में आपका एटीट्यूड हुआ या आपका बिलीफ सिस्टम हुआ गोल्स हुआ अचीवमेंट्स हुए फेलियर्स बिहेवियर सारी चीजें हैं इसमें आपका अडाप्टिव भी होता है माल अडाप्टिव भी होता है इवन पर्सनालिटी ट्रेड्स भी होते हैं आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने की कोशिश करते हो और एक प्रभावित यानी कि एफिशिएंट बनाने की कोशिश करते हो तो लर्निंग की सारी विशेषताएं हैं आप बिहेवियर भी आपका सीखते हो या किस तरीके से आपको इंफॉर्मेशन को एक्वायर करना है अगर एक डेफिनेशन में हम जाए अधिगम का यानी सीखने के एक में जाए तो तीन कारक होते हैं तीन एलिमेंट्स होते हैं तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं वो नकारात्मक भी, है, भी हो सकता है दोनों ही पक्ष या दोनों ही पहलू हो सकते हैं ठीक तो बदलाव तो होता ही है आपके आचरण आपके व्यवहार में दूसरा दिस चेंज टेक प्लेस टू एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस देखिए सीखने के लिए आपके पास में एक तो बार बार प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास होना आवश्यक है और अनुभव होना भी आवश्यक है इसके अलावा जो चेंजेस होता है ग्रोथ की वजह से मैच्यन की वजह से और इंक्वायरी की वजह से कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज लर्निंग है ना चेंज ड्यू टू ग्रोथ मान लीजिए कि आप ग्रोथ हो रहे हो ग्रो हो रहे हो या मैच्युरेशन पॉइंट पे जा रहे हो या इंक्वायरी सारे लर्निंग का पार्ट नहीं लर्निंग का पार्ट का मतलब हो कि आपने कुछ एडिशनल चीजें सीखा जैसे आपकी हाइट बढ़ना ये भी ग्रोथ ही तो हो रहा है आपका शारीरिक विकास हो रहा है ये लर्निंग नहीं है लर्निंग का मतलब आपकी जो एडिशनल नॉलेज है या जो भी आपके पास में स्किल है उसमें किसी चीज का वृद्धि होना या उस चीज का इंप्रोवाइजेशन होना वो एक चीज हो गया द चेंज मस्ट बी रिलेटिवली परमानेंट और ये परमानेंट होना चाहिए लंबे समय तक होना चाहिए जैसे कि आपने एबीसीडी सीख लिया जैसे आपने ट्विंकल ट्विंकल इटर स्टार सीख लिया आपने टेबल सीख लिया आपने काउंटिंग सीख ली गिनती सीख ली ये सारी चीजें क्या है जो चेंज है ये परमानेंट हो गया आपने स्वामी विवेकानंद के कुछ कोटेशन को पढ़ा और उसको आपने अपने जीवन में आत्मसात कर लिया एक्चुअली में सीखना वो होता है जिसको कि आप अप्लाई करते हैं यानी कि अनुप्रयोग में लाते हैं उसको यूज में लेके आते हैं जो आपने पढ़ा और वो भूल गए वो सीखना थोड़ी हुआ आपने पढ़ा उसको आत्मसात किया उसको अपने जीवन तक लेकर के आप चल रहे हैं सीखना एक्चुअली में वो है ये बात समझ में आया यहाँ पे किसी का कोई दिक्कत दुविधा वूम से टूम का कोई कंसेप्ट किसी ने दिया नहीं है ये मैंने आपको बताया कि ये माता के गर्भ से शुरू होता है और ये आखिरी टाइम तक रहता है आपके लाइफ टाइम तक आप कुछ ना कुछ चीजों को सीखते हो इस कंसेप्ट को किसी ने दिया नहीं है मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि सीखने की जो प्रक्रिया है बहुत ही शुरू से बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से जब आप जन्म लेते हो तब से शुरू हो जाती है इसलिए वूम से टूम की जर्नी है ये बात समझ में आया यहां तक तो कोई प्रॉब्लम ठीक अब देखिए आगे बढ़िए लर्निंग इज अ प्रोसेस ये प्रक्रिया देखिए ऐसा नहीं है देखिए वूम टू टूम वाला कंसेप्ट फिर से आ गया यहां पर ऐसा नहीं है कि आपने आज कोई चीज सीख ली फिर आप सीखोगे ही नहीं कल कल आप कुछ नया सीखोगे दुनियादारी भी सीखना या आचार व्यवहार सीखना सोसाइटी में कैसे बातचीत करनी है वो सीखना कोई बुक से नॉलेज लेना या सोशल मीडिया से कोई नॉलेज लेना गूगल से कोई नॉलेज लेना या न्यूज देख करके प्रिंट मीडिया के थ्रू कोई नॉलेज लेना नॉलेज तो अंत ही नहीं आप कहीं से भी ले सकते हो किसी को सुन करके नॉलेज लेना किसी को देख करके नॉलेज लेना तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट मतलब यहाँ पे स्कॉलर्स हैं विद्वान हैं जिन्होंने लर्निंग का डेफिनेशन दिया है तो हिलगार ने क्या बोला है हिलगार बोलते हैं कि एन एक्सपोनेंट इन फीलिंग ऑफ लर्निंग ये बोलते हैं क्या कि लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जो एक ऐसी एक्टिविटी को ओरिजिनेट करता है जहां पर ट्रेनिंग प्रोसीजर होते हैं और ट्रेनिंग करके हम चेंज लाने की कोशिश करते हैं हिलगार्ड ने क्या बोला ट्रेनिंग प्रोसीजर्स को फॉलो करके या कुछ एक्टिविटीज के थ्रू हम सीखते हैं बर्नाड क्या बोलते हैं बर्नाड का जो एक डेफिनेशन था लर्निंग को लेकर के वो ये था कि एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि हम एन ऑर्गेनिज्म मोटिवेशन और एडजस्ट टू सिचुएशन इन विच इट मस्ट मॉडिफाई इट्स बिहेवियर इन ऑर्डर टू ओवरकम एंड यानी कि किस तरीके से बाधाओं से बेरियर से रुकावटों से आपको बाहर निकलना है या उसको कैसे मॉडिफाई करना है किस को सिचुएशन कोई प्रॉब्लम आ गई आपके सामने कोई ऑब्स्टेकल आ गया कोई बेरियर आ गई कोई सी सिचुएशन आ गई तो वहां पे उससे आपको कैसे लड़ना है उसे कैसे निकलना है उस सिचुएशन को कैसे यहां पे पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना है कैसे मोटिवेशन लेना है ये होता है लर्निंग या ये पूरी प्रोसेस में आप लर्न करते हो सीखते हो तो लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है जो आपको मोटिवेशन देती है कि ऑप्सिकल्स बिहेवियर से कैसे रेड ऑफ होना है कैसे ओवरकम होना है सिचुएशन में कैसे एडजस्ट होना है कैसे अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करना है थ्रू आउट द सिचुएशन थ्रू आउट दी जर्नी तो ये दो डेफिनेशन को अपने माइंड में आप रखेंगे इसके बाद में लर्निंग के कुछ और कॉम्पोनेट हैं इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेट जैसे कि लर्निंग में सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है लर्नर यानी कि सीखने वाला व्यक्ति होना चाहिए भाई जो अधिगम है वो कहां होगा अधिगम के लिए अधिगम करता भी तो होना चाहिए सीखने के लिए या सिखाने के लिए पहले तो सीखने वाला होना चाहिए तो सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट हो गया दूसरा बात स्टिमुलस होना चाहिए यानी कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको सीखने के लिए प्रेरित कर रही है स्टिमुलस देखो अब हाँ पे वर्ड स्टिमुलस आया आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को पहले ये क्लियर कर देना चाहती हूं कि स्टिमुलस क्या होता है स्टिमुलस एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे कि किसी चीज को जानने की आपके अंदर में इंटरेस्ट होती है या करने की इंटरेस्ट डेवलप होती है हिंदी में लिखा हुआ है एक ऐसी गतिविधि गतिविधि माने एक ऐसी एक्टिविटी जिससे कि आपकी विकास में यानी कि डेवलपमेंट में या इंटरेस्ट होती है किसी चीज को करने का या जानने का फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो कि ग्लास ऑफ वाटर है ग्लास का पानी रखा हुआ आपके सामने अब आपने इस पानी को देखा आपने माने आपकी आंखों ने देखा रिसिप्टर हो गई आपकी आंख जिसने उस पानी को देखा उसके बाद में आपका सेंसरी न्यूरॉन काम करना शुरू कर देता है जो कि आपके ब्रेन को वो डिरेक्शन देता है यहां भी रिले न्यूरॉन एक्टिव हो जाता है और ब्रेन तुरंत डायरेक्शन देता है मोटर न्यूरॉन को मैंने पहले भी बताया था कि मोटर जहां भी वर्ड आएगा वहां फिजिकल डेक्सलिटी यानी कि शारीरिक निपुणता की चीजें एक्टिव हो जाएंगी और आपका हाथ तुरंत बढ़ेगा इफेक्टर के तौर पे ग्लास की पानी उठाएगा और वो पी लेगा तो यहां पर किस चीज ने आपको प्रेरित किया पानी पीने के लिए आपकी प्यास ने किया स्टिमुलस क्या हो गया वो ग्लास ऑफ वाटर हो गया जैसे भूख कोई अच्छा खाना बना हुआ है खाने की स्मेल बहुत अच्छी आ रही है आपके सामने वो है आपने देखा मतलब आपकी आंखों ने देखा आपके ब्रेन ने तुरंत यहाँ पे मैसेज भेजा रिले न्यूरॉन के थ्रू रिले न्यूरॉन ने तुरंत मैसेज भेजा मोटर न्यूरॉन को और फिर उसके बाद में आपका हाथ उठा आगे बढ़ा और आपने खाना खाया ये चीजें फ्रैक्शन फ्रैक्शन ऑफ ऑफ सेकंड्स सेकंड्स में हैं। में होती है बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलता जो ये चीजें इतनी इतनी हो जाती बात समझ में आई बहुत बढ़िया अंजलि जी बहुत बढ़िया ये पूरा जो कंसेप्ट है आपका स्टिमुलस का कंसेप्ट है और ये लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ठीक तो अच्छा हुआ, मैंने आपको ये चीज यहां पे क्लियर कर दी क्योंकि ये आगे आप लोगों को कई जगह पूछा जाएगा कई जगह आप लोगों को मिलेगा तो पहला मेन कॉम्पोनेंट क्या हुआ लर्नर दूसरा हुआ स्टिमुलस तीसरा इसमें कॉम्पोनेंट हुआ कि इंटरनल कंडीशन यानी कि आपकी आंतरिक जो स्थिति है वो क्या क्या है है लर्नर्स की आंतरिक स्थिति क्या है वो और चौथा हुआ रिस्पॉन्स इसी को मैंने एग्जाम्प्लीफाइड कर दिया इस पूरे आप लोगों को डायग्राम से फिगर से बहुत बढ़िया लव्य गुप्ता जी बहुत बढ़िया यू ऑल द वेरी बेस्ट अब देखिए इसको समझिए लर्नर क्या हुआ लर्नर हमेशा स्टिमुलस को देख करके इंटरप्रिट जैसे कि आपने कोई बुक देखी बुक देख करके आपको क्या लगा कि मुझे पढ़नी चाहिए बुक है ना तो आपने या आप किसी चीज को देख करके बहुत जरा प्रेरित हो जाते हो कि भाई आपने यूरसी नेट का एग्जामिनेशन देखा आपको एक क्वालिफाई करना है उसके लिए वो एक स्टिमुलस हो गया आपके लिए अब आप उसके लिए क्या कर रहे हो आपके ब्रेन ने न्यूरॉन ब्रेन ने आप लोगों को डायरेक्शन दिया होगा कि चलो उसको पढ़ते हैं बुक लेते हैं बाय करते हैं गैनडा पे आते हैं वहां से कुछ चीजें पढ़ते हैं कहीं और से कुछ चीजें पढ़ते हैं और फाइनली आज रिस्पॉन्स के तौर पर आप ये वीडियो देख रहे हो क्लास ले रहे हो फिर आप एग्जाम दोगे राइट तो यहाँ पे लर्नर यानी कि सारे स्टिमुलस स्टिमुलस आपके एक्टिव हो गए का मतलब मैंने आपको समझा दिया एक सेंसिटिव पार्ट होता है लर्निंग सिचुएशन को एनहांस करने के लिए और फिर उसके बाद में आपकी इंटरनल कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है मान लो कि आपका खुद का कंसेप्ट क्या है आपका खुद का एटीट्यूड क्या है आपकी नीड है या नहीं है मान लो अगर इसी सिचुएशन में आपका किसी से कोई फाइट होकर रखिए आप मेंटली फिट नहीं हो या आप बहुत टायर्ड हो फटीग है थके हुए हो, हो तो आप ये क्लास लेना चाहोगे बिल्कुल नहीं तो आपकी इंटरनल कंडीशन क्या है सीखने की अब प्रवचन बहुत अच्छा चल रहा है टीवी पर बाबा जी बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं आपको लेकिन आपका सेल्फ कंसेप्ट है कि हमने सुनना ही नहीं है अध्यात्म की तरफ जाना ही नहीं है फालतू बात बोल रहा है गलत बात बोल रहा है ये तो होता ही नहीं है अब आप बहुत अच्छा उसका वो बहुत अच्छा प्रवचन दे रहा है उसको लाखों लोग सुन रहे हैं लेकिन आपका खुद का सेल्फ कंसेप्ट आपने बना के रखा है ना आपका एटीट्यूड ऐसा है कि हम अपनी ही सुनते हैं हम अपनी ही करते हैं हमको अपने आगे किसी को सुननी नहीं है सर्वेश्वर हम ही है जो है वो हम ही है तो आप क्या करोगे आपके सामने आपके पिता आपके माता आपके इष्ट मित्र परिवार दोस्त या जो भी आपके वेल विशर है बहुत अच्छा ज्ञान देंगे आपको लेकिन आपको अपना बंडाधार करना है तो कोई आपका ब्रह्मा भी आपको आगे आके रोक नहीं सकते तो कहने का मतलब यह है कि आपका एटीट्यूड सारे क्या है ये सारे लर्नर्स के इंटरनल कंडीशन होते हैं जो उसकी लर्निंग कुछ सीखने से उसको बाधित करते हैं रोकते हैं आपका खुद का इंटेलिजेंस कितना है अब आप बैठे हो नेट की क्लास लेने के लिए यूजीसी नेट की क्लास लेने के लिए आप बैठे हो मतलब इंटेलिजेंस की मैं बात कर रही हूँ लेकिन अगर आपको ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक की बात नहीं समझ में आ रही है क्लियरली तो मेरी सारी बातें आपको बाउंस जाएंगी मतलब आप अगर कोई व्यक्ति अगर ट्वेल्थ क्लास में जाए और पीएचडी के लेवल की बात करे तो क्या क्लास ट्वेल्थ के मतलब ट्वेल्थ में पढ़ने वाले स्टूडेंट का क्या माइंड पीएचडी के लेवल की बातों को ग्रेस्प कर पाएगा तो वो एक कंडीशन की एक बात है एक्सेप्शन को अगर छोड़ दे तो बात समझ में आई ये पॉइंट क्लियर हुआ बहुत बढ़िया कुलविंदर जी अब देखिए रिस्पॉन्स क्या है रिस्पॉन्स जैसे कि एक्शन के तौर पे या रिएक्शन के तौर पे लर्निंग सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हो जैसे कि मान लो अभी आपको ये समझ में आ गया तो आप इसका एक रिएक्शन दे सकते हो कि मैम आपने कंसेप्ट समझाया या यहां पे ये प्रॉब्लम है या इस पॉइंट को और क्लियर करिए तो रिस्पॉन्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एलिमेंट्स में चार चीजें इंपॉर्टेंट है वापिस से देख लो एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है डिरेक्ट क्वेश्चन आता है पहला हो गया लर्नर खुद दूसरा हो गया स्टेमिल तीसरा हो गया इंटरनल कंडीशन चौथा हो गया रिस्पॉन्स ठीक है इसको भूलना मत रटना घोटना चाहे जैसे भी इसको याद रखना स्टेमिलस का हालांकि आपके सिलेबस में डायरेक्टली नहीं गिवन है बट इस पॉइंट से भर भर के क्वेश्चन आते हैं इसलिए हमने इसका एक्सप्लेनेशन ले लिया अब अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इससे मैचिंग के क्वेश्चन आते हैं ठीक है मैच करना होता है आपको हाँ रिस्पॉन्स कुड भी एनीथिंग जैसे एटीट्यूड है एटीट्यूड आपका पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है न्यूट्रल भी हो सकता है कोई डेफिनेशन नहीं है उसकी कि पॉजिटिव है तो ही एटीट्यूड है नहीं एटीट्यूड मतलब आपका एक व्यवहार देखने का दृष्टिकोण परस्पेक्टिव वो सकारात्मक भी हो सकता है नकारात्मक भी हो सकता है अब इसे इमोशंस इमोशंस को लोग ने बहुत जोर दिया हुआ है सेंसिटिविटी से बट ऐसा नहीं है इमोशंस एंगर भी इमोशन है हैप्पीनेस भी इमोशंस है सोरो भी इमोशन है जॉय भी इमोशन है काम रहना भी इमोशन है इट्स जस्ट की एक पार्ट है आपका वो ठीक है चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अब देखो ये देखो स्टेप्स क्या है लर्निंग प्रोसेस के पहला है रिसेप्शन पहले आप किसी चीज का अटेंशन या इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं फिर एक एक्सपेक्टेंसी होती है मतलब एक ऑब्जेक्टिव आप लेकर के चलते हो अपने माइंड में कि भाई अगर आप इस क्लास में बैठे हो तो आप कुछ एक्सपेक्ट करके आए होगे वो एक्सपेक्टेशन ये हो सकता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में मैम से पढ़ के जाऊंगा मुझे इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेना है या वो एक्सपेक्टेशन ये हो सकता है कि इस यूनिट को पढ़ करके बढ़िया ढंग से इस सिलेबस को बढ़िया ढंग से पढ़ के मुझे नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लेना ये आपका एक्सपेक्टेशन हो सकता है मतलब कि कोई भी एक ऑब्जेक्टिव होना कि लर्निंग करने के बाद आप कहाँ किस पोजिशन पे हो गे? ठीक फिर उसके बाद में रिट्रीवल टू वर्किंग मेमोरी यहाँ पे आप प्रायर नॉलेज को रिकॉल करते हो जैसे कि आप यहाँ पे आए जो भी चीजें मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपने अभी तक जो भी चीजें पढ़ी हैं इस टॉपिक के बारे में या क्लास टेंथ में ट्वेल्थ में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में आप उन सारी इंफॉर्मेशन को एक्यूमुलेट करके यूज कर रहे होंगे मेरे द्वारा जो मैं बता रही हूं बातों को समझने के लिए प्रायर नॉलेज जो भी होगा आपका वो हेल्प कर रहा होगा मेरी चीजों को समझने के लिए जो मैं आपको बता रही हूं ऐसा थोड़ी है कि ये चीज आप पहली बार पढ़ रहे हो या ये वर्ड पहली बार आप देख रहे हो पहले भी आप पढ़ चुके हो तो जो आपके प्रायर नॉलेज है वो आपको बहुत हेल्प करते हैं आपकी मेमोरी में जा करके रिट्रीव करने में यानी कि पुनर्प्राप्त करने में और जो अभी सिचुएशन है या जो भी पढ़ाई आप लोग पढ़ रहे हो उसको समझने में हेल्प करता है सेलेक्टिव परसेप्शन का मतलब ये हुआ कि आपको कंटेंट दिखाया जाता है कुछ फीचर्स बताए जाते हैं जिसको देख करके आप चीजों को समझते हो और सीखते हो सिमांटिंग इनकोडिंग होती है यानी कि अर्थ संबंधी भाषा के तौर पे आपको लर्निंग गाइडेंस दिया जाता है रिस्पॉन्डिंग होता है यानी कि लर्नर से बोला जाता है आपसे जैसे बोला जाएगा कि अब आप बताइए कि टॉपिक आप समझे नहीं समझे आपसे मैं टेस्ट लूंगी आपकी परफॉर्मेंसेस को देखूंगी फिर उसके बाद में री इन्फोर्समेंट हो जाएगा यहाँ पे लर्नर्स को फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है यानी कि आपको मैं फीडबैक दूंगी कि आपने जो सीखा वो कितना सही सीखा अगर आपके टेन में से एट मार्क्स आए इट मीन्स कि आपने ठीक ठीक सीखा हुआ है टू मार्क्स आए हैं तो मैं आपको फीडबैक दूंगी कि कहाँ कहाँ पे आप लोगों को संशोधन की आवश्यकता है कैसे कैसे आप मॉडिफाई कर सकते हो उसके बाद में रिट्रीवल और री होगा कोई एडिशनल परफॉर्मेंस आपको देनी है वो मैं आपको बताऊंगी कि आपका ये वाला पोर्शन वीक है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का जो टीचिंग एड वाला पॉइंट है वो वीक है उस पर आप इस बुक से पढ़ लो या मेरा वो वीडियो देख लो या ए एम सी क्यू सॉल्व कर लो तो एडिशनल परफॉर्मेंस जो है आपके तरफ से फीडबैक के तौर पे लिया जाएगा जनरलाइजेशन होगा जहां पे मोर प्रैक्टिस और वेरी प्रॉब्लम एज टू इंक्रीज रिटेंशन यानी कि आपके रिटेंशन को बढ़ाने के लिए यानी कि आपकी जो एक गलती आप कर रहे हो उसको कम करने के लिए याद आप ज्यादा कर सको प्रॉब्लम्स को ज्यादा सॉल्व कर सको उसके लिए ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आपको मैं असाइनमेंट दूंगी वर्क दूंगी या खुद से भी आप खुद को वर्क दे सकते हो खुद से भी आप परफॉर्मेंस को एनालिसिस कर सकते हो ये सारे आपके कुछ लर्निंग के स्टेप्स होते हैं अगला जो इसमें टॉपिक है वो आपका लर्निंग का प्रोसेस लर्निंग के प्रोसेस में सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन को परसीव करते हो यानी कि प्राप्त करते हो इनपुट लेते हो या लर्नर्स परसीव करता है डेवलप करता है आइडियाज को फिर वो वो डिसाइड डिसाइड करता है का का मतलब ब्रेन प्रोसेस हो गया फिर उसके बाद में उस पे वो एक्ट अपॉन करेगा फिर उसके बाद में वो फीडबैक देगा जैसे अभी ये सारी इंफॉर्मेशन को आप क्या कर रहे हो प्राप्त कर रहे हो परसीव कर रहे हो आप सीख रहे हो जो मैं बोल रही हूं आप सुन रहे हो तो आप इस वाले पोजिशन पे हो करेक्ट फिर आप जैसे ही मेरे द्वारा बोले गए शब्दों को आप सुन रहे हो अपने माइंड में उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हो डिसाइड कर रहे हो कि मैम क्या बोल रही है प्रोसेसिंग हो रहा है आपके माइंड में चलना शुरू हो गया है फिर उसके बारे में एक्ट अपॉन कर रहे हो नोट्स बना रहे हो शायद जो मैं आपको नोट्स दे रही हूँ या इस लेक्चर को देख रहे हो उसके बाद में आप एमसीक्यू उसको सॉल्व कर रहे हो फिर आप मुझे चौथे नंबर पे फीडबैक दे रहे हो और आप ये बताओगे कि मैम मेरा ये पॉइंट वीक है या मुझे ये चीज क्लियर हो गया या ये चीज मुझे समझ में आ गई ये पूरा लर्निंग का प्रोसेस है जो कॉन्टिन्यूटी के साथ में चलता रहता है ठीक है ये बात समझ में आया यहां तक कोई प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम अब देखिए लर्निंग के प्रोसेस को एक बार और दूसरे फिगर से भी समझ लेते हैं लर्निंग्स के एलिमेंट्स को आपने तो समझ लिया ठीक है हाँ बर्लो के एस मॉडल में ये था आप लोग प्लीज यहाँ पे जो ये कमेंट सेक्शन में जो बातचीत करते हो ना ये सब प्लीज आप लोग करना बंद कर दो आपस में प्लीज बातचीत मत करिए फिर आपको ये कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा फिर आप मुझसे बोलोगे मैम वापस से समझाइए इस चीज को देखिए लर्निंग के कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं कि कुछ घटक होते हैं जैसे कि पेडागोजी और गोल्स हर व्यक्ति का गोल कुछ अलग अलग होता है कोई कुछ सीखने के लिए या जानने के लिए पढ़ता है या कोई मोटिवेशन प्राप्त करने के लिए या कोई एक्टिविटी करने के लिए सीखता है तो अलग अलग पेडोलॉजी गोल्स हो सकते हैं या अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं चैनल भी अलग अलग हो सकता है <laughs> कोई YouTube से सीख रहा है कोई बुक से सीख रहा है कोई प्रिंट मीडिया से सीख रहा है कोई मल्टीपल प्लेटफॉर्म से सीख रहा है ठीक है कोई अलग अलग या एक ही साथ में मल्टीपल मल्टीपल प्लेटफॉर्म को साथ में लेकर के चल रहा है तीसरा ये होगा कि हर व्यक्ति की सीखने की जो डिफरेंसेस है या जो स्पीड है वो अलग अलग है किसी व्यक्ति को बहुत जल्दी कोई बात समझ में आती है उसी व्यक्ति को उस बात को समझने के लिए दो घंटे लग जाते हैं या एक औस्तन वक्त ज्यादा लगता है तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस अलग अलग हैं टेक्नोलॉजी भी सबके लिए अलग अलग है अब भाई कोई ये कोर्स जो मैं आप लोगों को फ्री में पढ़ा रही हूँ बहुत सारे बच्चे जिनको नहीं मालूम होगा वो शायद ऑफलाइन तीस हजार रुपए चालीस हजार रुपए दे करके ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं जो आप फ्री में पढ़ रहे हो या बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जिससे मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी है ना तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर अच्छे खासे पैसे लेकर के आप लोगों को दिए जा रहे हैं पढ़ाया पढ़ाया जा रहा है तो कॉस्ट की बात है अवेलेबिलिटी की बात है और एक्सेस की बात बात है तो लर्निंग किस तरीके से यहाँ पे चल रही है लर्निंग की पूरे प्रोसेस को अगर हम देखते देखें और समझें तो लर्निंग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप किताब से ही पढ़ रहे हो लर्निंग लेक्चर भी होता है आप देख करके भी पढ़ सकते हो सवाल पूछ करके भी सीख सकते हो डिस्कस करके भी सीख सकते हो दिखा करके भी सीख सकते हो किसी को इनकरेज करके भी सीख सकते हो किसी को किसी से इनकरेज हो करके भी सीख सकते हो और जब भी लर्निंग होगा हमेशा याद रखना या तो आपका स्किल एनहांस होगा या तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी आपका मोटिवेशन बढ़ेगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं कुछ होगा तो आपको आपके एक्सपीरियंस बढ़ेंगे आपका एक फॉर्मेट अच्छा होगा आपको ज्यादा अच्छे कंटेंट मिलेंगे तो आपका लिया तो लर्निंग होगा मतलब ये सारी चीजें होंगी या आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आपने यहां से आपका कुछ एक्सपीरियंस जो था वो एड ऑन हुआ आपको अच्छे कंटेंट मिले तो ये पूरा कंसेप्ट है लर्निंग प्रोसेस का ठीक अब देखिए चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हम्म ये बात समझ में आई अब देखिए अगला क्या है लर्निंग हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स लर्निंग के ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि आपकी बिहेवियर का मॉडिफिकेशन होता है ये पर्पज होता है यानी कि उद्देश्य होता है उद्देश्य वाला जो कंसेप्ट है ये मैकडॉगल्स ने बोला है कि मैकडॉगल्स बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेस इज दर्पज फुल नेचर ऑफ लर्निंग है ना इन अदर वर्ड्स लर्निंग इज गोल डायरेक्टेड जब भी एक गोल इंपॉर्टेंट होता है लर्निंग में और हमेशा एक दिशा की तरफ या एक सही दिशा की तरफ लेकर के जाता है ये पूरा प्रोसेस और ये कॉन्टिन्यूएस यानी कि हमेशा चिलने वाला सतत प्रक्रिया है सतत प्रक्रिया सतत प्रोसेस है लर्निंग लर्निंग एक यूनिवर्सल फेनामिना है यानी कि सार्वभौमिक घटना है ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं और आप सीख रहे हैं जीव जंतु और जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स हैं जितने भी कल्चर के लोग हैं जितने भी क्रिएचर्स हैं वो वो भी सीखते हैं पशु पक्षी भी सीख रहे हैं ये एक प्रोग्रेसिव और डेवलपमेंटल है यानी कि प्रगतिशील और विकासात्मक है आपकी प्रगति हो रही है जब आप कोई चीज सीख रहे हैं आपका विकास हो रहा है चाहे मानसिक विकास हो चाहे आपके शरीर का विकास हो चाहे आपकी भावनाओं का विकास हो चाहे आपके फिजिकल uh, डेक्सटलिटी का विकास हो ट्रांसफरेबल है जब आप कोई चीज सीखते हो चाहे स्किल हुआ कोई सब्जेक्ट मैटर हुआ कोई इंफॉर्मेशन हुआ कोई ओपिनियन हुआ तो आप फैसिलिटेट करते हो आप यहां पे ट्रांसफर करते हो जो नॉलेज जैसे कि मुझे चार चीजें शायद ज्यादा पता है वो मैं आपको ट्रांसफर कर रही हूँ क्योंकि ये ट्रांसफरेबल है तो लर्निंग यानी कि सीखने की जो प्रक्रिया है इसमें कुछ स्किल्स हैं वो दूसरे को हस्तांतरित किया जा सकता है इसके अलावा लर्निंग इंक्लूड्स ऑल थ्री एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर ये जितने भी आपके मानव के व्यवहार हैं वो सभी इसमें शामिल होते हैं मानव के तीन व्यवहार यानी कि भावनात्मक तरीके से कोगरेटिव तरीके से और आपके साइकोमोटर तीनों ही चीजें इसमें शामिल हैं लर्निंग के कुछ स्टाइल्स होते हैं यानी कि कुछ तरीके हैं जिनसे कि आप सीख सकते हो जिनसे कि आप चीजें यहाँ पे जान सकते हो पहला ये हुआ कि वर्बल तरीका है पहला हुआ वर्बल यानी कि कोई चीजें आप बोल करके सीख सकते हो वर्ड्स के थ्रू आपको कितना बोलना है कैसे बोलना है क्या स्पीच होनी चाहिए या लिख करके भी क्योंकि वर्बल का पार्ट आपका रिटर्न भी आता है ना जहाँ पे शब्दों का इस्तेमाल करके आप सीख सकते हैं दूसरा आप चाहे तो किसी पिक्चर को भी देख करके कोई डायग्राम को भी देख करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इमेजेस को भी देख करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं है ना आ, या कोई स्ट्रक्चर देख करके भी आप सीख सकते हो तीसरा ये हुआ म्यूजिक music, म्यूजिकल या ऑडिटरी आप सुन करके भी सीख सकते हो साउंड के जरिए भी आप सीख सकते हो रिदम के जरिए भी आप सीख सकते हो चौथा हुआ फिजिकल या काइनेथिक्स यानी कि हैंड का हाथ का इस्तेमाल करके शरीर का इस्तेमाल करके ट्रेनिंग लेकर के वो चीजें करके भी आप सीख सकते हो पांचवा है कॉम्बिनेशन भी हो सकता है दो या दो से अधिक तरीके से भी आप सीख सकते हो जो आपने अभी ऊपर देखा मतलब चाहे वर्बल विजुअल को आप मिला दीजिए चाहे वर्बल विजुअल म्यूजिकल को भी आप मिला दीजिए मतलब आप कई कॉम्बिनेशन तरीके से भी आप सीख सकते हो सॉलिटरी तरीके से सीखने का मतलब ये हुआ कि जब आप अकेले में सीखते हो सेल्फ स्टडी करते हो बुक आपने पढ़ लिया आपने प्रेयर कर लिया आपने मेडिटेशन कर लिया ये भी जहां पे भी आप सीखते हो ना देखो सीखने का मतलब सिर्फ बाहरी चीजें सीखना नहीं होता सेल्फ अवेयरनेस भी सीखने का एक पार्ट है खुद से खुद के बारे में जानना सबसे इंपॉर्टेंट तो आज के डेट में यही है हमें खुद को ही नहीं पता होता कि हमारे गोल्स क्या है हमारी हॉबीज क्या है हमारा पैशन क्या है हमें क्या करना चाहिए तो ये चीज नहीं होनी चाहिए सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा एकांत में ही सीखा जा सकता है ठीक उसके बाद में सोशल सोसाइटी से भी आप चीजों को सीखते हो दूसरों से सीखते हो ग्रुप ऑफ पीपल से अगले कम्युनिटी से कल्चर से बिहेवियर से जो भी आपके दोस्त हैं उनसे क्योंकि वो एक अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या एक सोसाइटी से बिलोंग करते हैं तो वो एक चीजें हैं उसके बाद में लॉजिकल तरीके से भी आप सीखते हो यानी कि रीजनिंग करके तार्किक तरीके से प्रश्न पूछ करके है ना या आप तर्क करके भी सीखते हैं जैसे कि आप अगर न्यूज चैनल देखिए जो डिबेट हो रहे हैं दो तीन व्यक्ति आपस में बैठे हुए हो और वो लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं डिबेट कर रहे हैं तो वहां आप बस उनको ध्यान कितने उनकी डिबेट से निकल के आते हैं तो वो भी एक सीखने का तरीका है कैलकुलेशन करके भी बहुत सीखते तो के डिफर, डिफर स्टाइल्स है। सारे स्टाइल्स आपको आ, याद रहेंगे और बहुत सारी स्टाइल्स को आप भी अपनाते होंगे राइट तो ये था आपके सिलेबस का आखिरी कंसेप्ट आज का और आज के लिए सिर्फ इतना ही रखेंगे अगला जो हमारा सेशन होगा लर्निंग साइल्स तक हमने सीख लिया हुआ है देख लेते हैं क्या क्या हमने सीखा और अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो ये होगा कि कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं आपकी लर्निंग और टीचिंग को टीचर लर्नर सपोर्टर मटेरियल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी और ये सारी चीजें ठीक है और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी समझेंगे अभी तक यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई दुविधा कोई परेशानी कोई समस्या तो वो बता दे अगला सेशन हमारा होगा परसों पेपर वन का और इसके साथ में हम लोग करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी करेंगे बीच में कल होगी हमारी पेपर टू कॉमर्स की क्लास और हमारा जो क्विज था कॉमर्स का वो नहीं हो पाया था इस क्लास के बाद में हम उस क्विज को करेंगे इसलिए इस क्लास को थोड़ा अर्ली वाइंड अप कर रहे हैं ठीक है अच्छा देखिए नोट्स कैसे बनाना है ये काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछ रहे थे कि नोट्स कैसे बनाना है मैं आप सभी लोगों को बता दूं नोट्स बनाने का क्या तरीका है कि जो भी आपके पॉइंट्स हैं या जो भी आप लोगों का कंटेंट है उसका आप लोग क्रक्स लिखोगे बिल्कुल क्रिस्प बात लिखोगे एडजेक्टिव को एडवर्ब्स को आप यूज नहीं करेंगे एडजेक्टिव एडवर्ब्स का मतलब यह हुआ जैसे कि लर्निंग की पूरा प्रोसेस में मैंने आपको बताया कि लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस एंड इट चेंजेस अमन बिहेवियर ब्ला 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 तो आपको सिर्फ इतना लिखना है जैसे आप तो आपको पता ही है कि ऑब्वियसली आप लर्निंग के बारे में आप लिख रहे हो तो आप लिखिए कॉन्टिन्यूस बस कॉन्टिन्यूअस लिखिए उसके बाद में आप लिखिए कि यू शॉर्ट फॉर्म्स में लिखिए कि ह्यूमन बिहेवियर चेंजेस बस इतना जितना आप ज्यादा शॉर्ट में लिख सकते हो उतना ज्यादा शॉर्ट में लिखिए जैसे कि लर्निंग स्टाइल्स था लर्निंग स्टाइल्स में आपका ऑडिटरी था विजुअल्स था उसके बाद में कॉम्बिनेशन था ठीक और फिर उसके बाद में सॉलिटेयर था काइनेथिक्स था इसका एक्रोनिम बना लीजिए पूरा मत लिखिए ऑडियो मत लिखिए वीडियो मत लिखिए या कॉम्बिनेशन मत लिखो आप लोग शॉर्ट शॉर्ट चीजें बनाओ मतलब आप देखिए कि आप किसी चीज को कितना बेहतर तरीके से डायग्राम्स को बना करके आप लिखिए उससे क्या होगा आपको एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प पूरी पूरी पोथी पूरी पूरी, पूरी कहानी आप लिखेंगे तो आपके पेजेस भर जाएंगे और हर एक यूनिट के बाद में अगर आपका जो कॉपी है जिसमें आप लोग नोट्स बना रहे हो अगर वो बड़ा है तो एटलीस्ट दो पेजेस जरूर से छोड़ना दो से तीन पेज तीन पेज हो जाए चलेगा कम नहीं होना चाहिए छोटी कॉपी है तो वो चार पेज आप छोड़ दीजिएगा या पांच पेज छोड़ दीजिएगा उस हिसाब से आप छोड़िएगा क्यों क्योंकि अभी हम लोग एमसीक्यूज भी करेंगे प्रैक्टिस सेशंस भी करेंगे और उसमें भी आपको बहुत सारे टॉपिक नए देखने को मिलेंगे जिसको मैं आपको बताऊंगी कि ये वाला टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाला इस सेशन में आया था या उस सत्र में आया था उसके पॉइंट्स में आप लोगों को वहां पे लिखवा दूंगी अगर वो हमने यहाँ सिलेबस में नहीं कवर वैसे तो मैं सब कुछ आपको यहीं पर कवर करा दूंगी फिर भी कुछ एडिशनल पॉइंट हो गया वो उसको आपको बाद में नोट करने में हेल्प करेगा इतनी बात समझ में आई ताकि पेपर वन और पेपर टू दोनों में एक बैलेंस बना रहे ठीक है सारी जो आपकी क्लासेस है देखिए पेपर वन की जितनी भी क्लासेस है कौन से प्ले में मिलेगी ये है प्ले आपकी देखो आप लोग टेलीग्राम से जरूर से जुड़ जाना ये है टेलीग्राम का जो लिंक है ये टेलीग्राम का लिंक है मैंने इसको सबसे ऊपर कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया हुआ है टेलीग्राम से आप जुड़ जाएंगे तो यहां से आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे इसके अलावा देखिए क्लासेस के सीक्वेंस ऐसे हैं ये जो है आपका ये बेसिकली पेपर टू के लिए कॉमर्स के लिए आप ये कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है जो पेपर वन वाले स्टूडेंट्स हैं यूजीसी ने टू गोल्डन बैच ये उनके लिए है ये वाली प्ले आप जाना यहाँ पे देख लेना और जितने भी इंफॉर्मेशन आते हैं वो सारी चीजें तो मैं आप लोगों को अपडेट करती ही रहती हूँ उसका कोई इशू नहीं उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है चलिए आज का सेशन फिर यहीं पे रखते हैं रीजनिंग मैथ्स पूरे दस के दसों यूनिट आपके होने वाले हैं इसी इसी चैनल पे होगा और सीक्वेंस आपके सामने स्क्रीन पे मैंने आप लोगों को पहले भी शेयर कर दिया था यह है पूरा ये सारे यूनिट्स को कराने वाली हूँ आपका कम्युनिकेशन रिसर्च हायर एजुकेशन वेस्टर्न लॉजिक रीजनिंग मैथ्स टीचिंग आईसीटी पीडी इंडियन लॉजिक आरसी ट्रिपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट और आईसीटी में आपके करंट अफेयर्स का भी पोर्शन है करंट अफेयर वाला ये भी हम लोग करने वाले हैं ठीक है थीके? एक्जियम वाले सेल्फ सफिशियंट या सेल्फ इंपॉर्टेंट माल अडाप्टिव का मतलब वो चीजें जो आप अडाप्ट adapt नहीं अडाप्टिव का मतलब होता है जिस चीज को आप ले सकते हो माल अडाप्टिव का मतलब हो जो चीज आपको नहीं लेनी चाहिए बट फिर भी आप ले लेते हो और जैसे गाली नहीं सीखनी चाहिए सीख लेते हो जैसे कि बुरा व्यवहार करना नहीं सीखना चाहिए सीख लेते हो वो माल अडाप्टिव है है ना वो आपके लिए अच्छा नहीं है बट आप सीख लेते हो क्योंकि वो भी लर्निंग का ही पार्ट है ना छोटे बच्चे होते हैं स्कूल से मतलब मम्मी तो एकदम नहला उला करके अच्छे से राजा बाबू बना करके स्कूल भेजती है बच्चा जब घर पे आता है दो चार गालियां सीख करके आता है वो क्या था वो भी वो भी तो उसने कुछ सीखा ना सोसाइटी तो से वो माल अडॉप्टिव हो गया कुछ अडॉप्ट किया बट वो माल था मतलब वो ठीक मतलब वो वो वाला नहीं माल अडॉप्टिव का मतलब ये कि गलत चीजें सीखना बात समझ में आया चले आज का सेशन इतने पे ही रखते हैं बाकी की चीजें कल कर डिस्कशन करेंगे कॉम्पोनेंट्स एक बार कल हम लोग वापिस पढ़ते हुए परसों वापिस पढ़ते हुए फिर उसके बाद में क्लास नंबर फोर पे जंप करेंगे ठीक तो हमने कर कर लिया था। कोशिश कोशिश रहेगी। very best and get success और uh, like, दीजिएगा जाने से पहले बहुत 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 इंपॉर्टेंट है पैशनेट बने और बी सेशन अगर आपको जेनुअनली हेल्पफुल लगा होगा मैं आप लोगों का पूरा कोर्स कोशिश करूंगी मार्च तक एंड करा दूं जिनका भी सेट का एग्जामिनेशन है महाराष्ट्र का स्पेशली पेपर वन तो कोशिश रहेगी पूरी Uh, महाराष्ट्र का और आपका कर्नाटका का भी एग्जामिनेशन है बिहार का भी अभी फॉर्म्स आने वाला है नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ में आने वाला है वो फुल उनके भी एग्जामिनेशन मार्च में ही होंगे तो कोशिश रहेगी कि पेपर वन आपका सही समय पर करा दिया जाए क्योंकि पेपर वन आपका कंपलसरी है मैंडेटरी है सेट में भी पूछते हैं नेट में भी पूछते हैं ये सारे आपके हैंडल्स हैं देख लीजिए फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर का लिंक है बी पैशनेट बी योर ओन मोटिवेशन अपने मोटिवेशन के लिए प्लीज़ बाहर से किसी व्यक्ति को तलाश मत करिए क्या है और आपको जगाए अपने टारगेट्स को खुद सेट करिए बिल्कुल हनुमान जी जैसे बन जाइए आपकी ताकत या आपकी जो क्षमता है आपसे बढ़िया और कोई नहीं जानता एक तो पैशनेट बनिए लाइक शेयर कर देना